The Tale of Snow White. Snow White की कहानी। एक समय की बात है, दूर एक राज्य में स्नो व्हाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल आबनूस की तरह काले थे। स्नो व्हाइट की माँ की मृत्यु तब हो गई जब वह बच्ची थी और उसके पिता राजा ने एक नई रानी से शादी की। यह नई रानी सुंदर तो थी परंतु व्यर्थ और दुष्ट भी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था जिसे वह रोजाना देखती थी। दर्पण दर्पण दीवार पर दर्पण, इन सभी में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने हमेशा उत्तर दिया कि रानी देश में सबसे सुंदर थी। जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी होती गई वह रानी से भी अधिक सुंदर हो गई, जिससे रानी को अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी। वह यह सोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए उसने स्नो व्हाइट से छुटकारा पाने की योजना बनाई। उसने एक शिकारी को स्नो व्हाइट को घने जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। हालांकि शिकारी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सका और उसने स्नो व्हाइट को जंगल में भाग जाने और कभी वापस न लौटने की चेतावनी देते हुए जाने दिया। खोई हुई और डरी हुई स्नो व्हाइट जंगल के अंदर तक भटकती रही जब तक कि उसे एक छोटी सी कुटिया नहीं मिली। झोपड़ी में 7 बौने रहते थे जो पास की खदान में काम करते थे। उन्होंने स्नो व्हाइट का स्वागत किया और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। बदले में स्नो व्हाइट ने उनके घर की देखभाल करने और इसे साफ सुथरा रखने का वादा किया। वापस महल में दुष्ट रानी को उसके जादुई दर्पण के माध्यम से पता चला कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित थी। उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत में बदल लिया और स्नो व्हाइट को ढूंढने निकल पड़ी। रानी बौनों की कुटिया में पहुंची और स्नो व्हाइट को जहरीला सेब दिया। स्नो व्हाइट ने काट लिया और जहर के कारण वह गहरी मौत जैसी नींद में सो गई। घर लौटने पर बौनों ने स्नो व्हाइट को पाया और उन्हें लगा कि वह मर चुकी है। उन्होंने उसे जंगल में एक शीशे के ताबूत में रख दिया। पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार उधर से गुजरा। उसने स्नो व्हाइट का बेजान रूप देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने बौनों से उसके बारे में पूछा और उन्होंने कहानी समझाई। राजकुमार उसे उचित तरीके से दफनाना चाहता था, इसलिए उसने स्नो व्हाइट के ठंडे होठों को चूम लिया। चमत्कारिक ढंग से राजकुमार के चुंबन ने अभिशाप को तोड़ दिया और स्नो व्हाइट जाग गई। उसे और राजकुमार को प्यार हो गया और वह उसे वापस अपने राज्य में ले गया, जहां एक भव्य समारोह में उनकी शादी हुई। जहां तक दुष्ट रानी की बात है, उसके बुरे कर्म उस पर हावी हो गए। जब उसे पता चला कि स्नो व्हाइट जीवित और खुश है तो वह क्रोध और ईर्ष्या से भर गई। अंत में उसे अपनी दुष्टता के लिए उचित दंड मिला। स्नो व्हाइट और राजकुमार हमेशा खुशी से रहते थे और स्नो व्हाइट की कहानी तब से सभी समय की सबसे प्रिय और स्थायी परियों की कहानियों में से एक बन गई है।